ये धन्यवाद प्रस्ताव ये वीडियो आप प्रधानमंत्री जी को दिखा देना और हमारी तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव दे देना। थैंक यू। मंच पर उपस्थित आदरणीय स्मृति ईरानी जी, माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास एवं बड़े भाई श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, दिल्ली चांदनी चौक से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मेरे अनुसार तो बन चुके हैं, और ट्रेडर्स एसोसिएशन कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कैट एवं मेरे मित्र श्री एपी रेड्डी जी, प्रेसिडेंट एफडीएस से एवं इस सभागृह में मौजूद ये महिलाओं के विशाल जन समूह को जो देश के कोने कोने से आए हैं, मैं सादर नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस महिला दिवस के आयोजन में। आज जैसा कि आप सबको पता है कि पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है, और महिला दिवस के इस उपलक्ष में जगह जगह बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं, और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाशाली महिलाएं जिन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है उनको बुलाकर जगह जगह पर सम्मानित किया जा रहा है। भारत में भी बहुत सारे आयोजन हो रहे होंगे और वहां भी बहुत सारी महिलाएं को सम्मान मिल रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश का सबसे बड़ा महिला दिवस का आयोजन आज यहां इस स्टेडियम में हो रहा है। हमारे बीच में भी समाज की बहुत प्रतिभाशाली महिलाएं आई हुई हैं जो इस आयोजन में अवार्डी हैं, और सबसे बड़ी संख्या में अवार्डी महिलाएं देश के कोने कोने से आई हुई हैं, वो हैं हमारे इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की फाइटर महिलाएं। आप सबने आज शिवरात्रि के दिन देश के कोने कोने से आके साबित कर दिया कि घरेलू महिलाएं भी उद्यमी हो सकती हैं। आप सभी महिला उद्यमियों को मेरा फिर एक बार नमस्कार। ये प्रोग्राम जब सोचा गया था तो मुझे नहीं पता था हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो शिवरात्रि का दिन था, और शिवरात्रि में हमारी महिलाएं बहुत पूजा पाठ और व्रत रखती हमें पता है, लेकिन हमारे बड़े भाई माननीय श्री प्रवीण भाई साहब ने हिम्मत दी, जज्बा दिया, तुम प्रोग्राम करो, चिंता मत करो, प्रोग्राम होगा। आज इस प्रोग्राम का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है हमारे बड़े भाई साहब प्रवीण खंडेलवाल जी। दोस्तों, प्रवीण भाई ने मिलकर हमें ये वादा किया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कैट के साथ काम करेगी, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए जो बेहतर से बेहतर होगा वो काम आने वाले फ्यूचर में प्रवीण भाई हमारे साथ मिलकर करने वाले हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा हमारी माननीय मंत्री जी को कि आपके सरकार के आने से ही हमें पहले गाइडलाइंस प्राप्त हुई, फिर रूल्स प्राप्त हुए, तो सही मायने में तो हम सरकार का धन्यवाद करने भी आए हुए हैं। मैं ये जहां तक मुझे लगता है कि इतने सालों से हमारे रूल्स पेंडिंग थे, गाइडलाइंस पेंडिंग थी, उसका एक ही कारण है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन और उनका आत्मनिर्भर भारत का सपना। मैं ये दावे से कह सकता हूं
कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा योगदान निभाने जा रही है, एक बहुत बड़ा योगदान हम लोगों का होगा। और यह योगदान कैसा होगा ये एक बार मैं आपके हल्ले और तालियों से जानना चाहता हूं। ये आवाज हमारे प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए, अभी मजा नहीं आया, हमारे प्रधानमंत्री जी तक आवाज जानी चाहिए कि उन्होंने इस इंडस्ट्री को रूल्स दिए, इस इंडस्ट्री के लिए दिशा निर्देश जारी किए, इस इंडस्ट्री के लिए एक पाथ बनाया जिस पे चलकर आज हमारे देश की लाखों बेरोजगार और घरेलू महिलाएं अपना जीवन यापन कर रही हैं, खुशियों से जी रही हैं और अपने सपने पूरे कर रही हैं। मैं आखिरी में सिर्फ एक छोटी सी अरदास, थोड़ी सी गुजारिश, भाई साहब छोटी सी अरदास, छोटी सी गुजारिश है, बहन जी आपकी सरकार आने के बाद ही हम लोगों को सांस मिला है और हम सब आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए और आपसे प्रेरणा लेने के लिए आए हैं। और सबसे आज हमारा आने का महिला दिवस के दिन एक ही कारण है, हम आपकी सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद प्रस्तुत करने आए। बस आपसे एक ही गुजारिश है, ये बच्चे आपके सामने बैठे हैं, ये महिलाएं बैठी हैं, ये धन्यवाद प्रस्ताव, ये वीडियो आप प्रधानमंत्री जी को दिखा देना और हमारी तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव दे देना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे बड़े भाई, हमारे मेंटर श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, प्लीज सर आप आए और हाउस को एड्रेस करें। थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।